लास्ट सेक्शन में हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेंसर्स, अब हम सीखेंगे सेंसर एग्जांपल इन एंड्रॉइड। अब हम देखेंगे कि सेंसर किस तरीके से हमारा जो फोन है उसमें काम करता है। सो इसके लिए हम एक सिंपल सेंसर क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक्सेलेरोमीटर का यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इस ऐप का लेआउट डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हमने जैसे रूटीन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वैसे एक सिंपल सेंसर वन हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब इसका हम लेआउट देखेंगे। इसका मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें सिंपली एक रिलेटिव लेआउट हम ले रहे हैं और हमने एक टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन किया है जिसकी हमने प्रॉपर्टीज बेसिक सेट की है। और इस टेक्स्ट व्यू का यूज़ करके हम हमारे जो एक्स वाई जेड हमारे जो वेरिएबल्स है उनके थ्रू वहाँ पे हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने वाले हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसका मैनिफेस्ट फाइल जो है वो भी रूटीन है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट जनरेटेड है वही है। सो नाउ वी हैव टू डिज़ाइन द कोड किस तरीके से ये काम करेगा। सो इसका मेन एक्टिविटी देखेंगे। मेन एक्टिविटी में हमें सिंपल सेंसर जो क्रिएट करना है सो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर करके रखी है। सबसे पहले हमने सेंसर मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस लिया है और एक लिस्ट, और लिस्ट के थ्रू हम जो हमारे एक्स वाई जेड होते हैं वैल्यूज़ जो चेंज होती है सेंसर के थ्रू, सो वो यहाँ पे प्रिंट हम करवाने वाले हैं। सो अब हम इसका पहले तो लिस्नर डिज़ाइन करेंगे सेंसर का, सेंसर इवेंट लिस्नर जो भी इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। जैसे ही हम ये लिस्नर का यूज़ करते हैं हमें दो उसकी मेथड मिल रही है जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइड हमें करनी पड़ती है ऑन सेंसर चेंज और दूसरी ऑन एक्यूरेसी चेंज। अभी हमें एक्यूरेसी चेंज वाली जो मेथड है उसका यूज़ नहीं करना है, ऑन सेंसर चेंज का जो कंटेंट है उसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे एरे क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करना है, इसलिए यहाँ पे हमने एरे जो क्रिएट किया है वैल्यूज़ और उसमें जो हमारा सेंसर इवेंट का इंस्टेंस हम वहाँ पे पास कर रहे थे, सो इवेंट डॉट वैल्यूज़ जो हमारा एरे है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम टेक्स्ट व्यू के अंदर जो हमारे वैल्यूज़ का एरे जो है यानी यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करवानी है, सो वो कोड यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसका इंस्टेंस ले लिया डॉट सेट टेक्स्ट और उसमें हमने सबसे पहले x, x की वैल्यू प्रिंट करवानी है, सो वैल्यू ज़ीरो वहाँ पे हमने पास कर दिया है। उसके बाद स्लैशन नेक्स्ट लाइन पे y यानी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, इसलिए वैल्यूज़ वन यानी सेकेंड जो है y की वैल्यू वहाँ पे वैल्यू वन हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वैल्यू टू से हम z की वैल्यू प्रिंट करेंगे। सो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए हमने सेट कर दिया है टेक्स्ट व्यू। अब हमारी यहाँ पे जो है ऑन सेंसर चेंज्ड इवेंट हमने सेंसर इवेंट लिसनर का यूज़ कर लिया है। हमारी जो ऑन क्रिएट मेथड है वहाँ पे जो चेंजेस करना है ये चीज़ डिस्प्ले करने के लिए, सो सबसे पहले तो हमने ऊपर जो इंस्टेंस क्रिएट किया है सेंसर मैनेजर का SM उसका यूज़ हमें करना है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंसर मैनेजर और यहाँ पे जो हमारी मेथड है गेट सिस्टम सर्विस जो हमने देखा है सेंसर के चैप्टर में अभी, सो वो मेथड का यूज़ हम करेंगे और यहाँ पे हमें पास करना होगा जो स्ट्रिंग है ये हम यहाँ पे लिखेंगे सेंसर सर्विस। इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले तो सेंसर मैनेजर का इंस्टेंस जो है वो वहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे। अब इसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू का भी आइडेंटिफिकेशन कर दिया है जो ऊपर हमने टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर किया था और लिस्ट जो हमने डिक्लेयर किया है उसका भी हमने यहाँ पे लिस्ट के साथ हमारा जो सेंसर मैनेजर है सो उसके इंस्टेंस का यूज़ करके गेट सेंसर लिस्ट और उसमें सेंसर का टाइप यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेंसर डॉट टाइप एक्सेलेरोमीटर, ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें लिस्ट के साथ काम करना है सो उसका कोड हम डिज़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे जिसमें हम लिस्ट के बेसिस पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे
कंडीशन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि अगर लिस्ट का जो साइज है वो या तो जीरो या जीरो से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में हम हमारा जो सेंसर है उसे रजिस्टर करवाने का कोड जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन जो सेट की है उसमें हमने डाल दिया जो हमारा सेंसर मैनेजर है डॉट रजिस्टर लिस्नर, क्योंकि हमें रजिस्टर करना होगा, जिसमें हम सबसे पहले तो हमारा SE1 का इंस्टेंस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे सेंसर इवेंट लिस्नर SE1, सो वो हम पास करेंगे। उसके बाद हमने लिस्ट डॉट गेट जीरो, यानी लिस्ट की जो वैल्यू है वो हमें ज़ीरो से चाहिए, 0 1 2 इसलिए, और सेंसर मैनेजर डॉट सेंसर अंडरस्कोर डीले अंडरस्कोर नॉर्मल, ये हमने यहाँ पे 3 कंटेंट पास कर दिए हैं। अब ये इफ कंडीशन हमने यहाँ पे सेट की है। अब इसके बाद हम एल्स में टोस्ट जनरेट करवाएंगे ताकि यूज़र को पता चले। हमने इस तरह का सिंपल एक टोस्ट वहाँ पे जनरेट करवा दिया जिसमें हमने मैसेज डाल दिया नो एक्सेलेरोमीटर इस तरीके से, ताकि यूज़र को पता चले अगर हमारा जो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है सेंसर तो। अब जैसे हमने यहाँ पे जो ऊपर मेथड का यूज़ किया था, यानी यहाँ पे हमने रजिस्टर करने के लिए एक ही कंडीशन का यूज़ किया और हमारा जो सेंसर है उसे हम रजिस्टर कर रहे हैं ऑन क्रिएट के अंदर, उसी तरीके से हम जो हमारी एक्टिविटी है उसकी ऑन स्टॉप मेथड का यूज़ करेंगे और हमारा जो सेंसर है जिसे हमने रजिस्टर किया है सो काम होने के बाद उसे अनरजिस्टर करेंगे, और वहाँ पे भी हम लिस्ट की ही कंडीशन देंगे। जैसे यहाँ पे लिस्ट जो साइज़ हमने दिया है ग्रेटर देन 0 वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पे ऐसी कंडीशन के बेसिस पे हम उसे अनरजिस्टर करवाएंगे। कोड देखेंगे यहाँ पर, कंडीशन देंगे इफ के अंदर लिस्ट साइज, यहाँ पे हमने जो हमारी कंडीशन है उसमें हम बता रहे हैं जो हमारा सेंसर मैनेजर है डॉट अनरजिस्टर लिस्नर, और जिसमें हमने हमारा SE1 जो इंस्टेंस है वो पास कर दिया है, और सुपर डॉट ऑन स्टॉप यहाँ पे हमने दे दिया है। तो इस तरीके से जैसे हमारी एक्टिविटी स्टॉप होती है हमारा जो सेंसर है उसे हमने अनरजिस्टर कर दिया है। सो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो सेंसर का यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है। हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंसर इवेंट लिस्नर क्रिएट किया जिसमें हमने ऑन सेंसर चेंज का यूज़ किया है, एक एरे क्रिएट करके टेक्स्ट व्यू में 3 वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी की ऑन क्रिएट मेथड है उसके अंदर हमने सेंसर मैनेजर का गेट सिस्टम सर्विस मेथड का यूज़ किया है, लिस्ट का यूज़ किया है, और लिस्ट के बेसिस पे हमने हमारा सेंसर को रजिस्टर करवा दिया है, और ऑन स्टॉप के अंदर हमने जो सेंसर है उसे अनरजिस्टर करवा दिया है। इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। रन मेन्यू में जाकर जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट XYZ की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, यानी एक्सेलेरोमीटर के थ्रू हमें जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे हमें दिख रही है। हम इस पोजीशन को हमारा जो डिवाइस है उसे रोटेट करके देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन क्या होती है। हम इसे रोटेट करेंगे, अब देखिए जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं सो हमारे एक्स जो वाई है एक्स तो 0.0 है, वाई और जेड की वैल्यू निगेटिव हो गई है आप देख सकते हैं। हम जैसे ऐसे रोटेट करते जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। अभी देखिए एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, वाई 0 हो चुका है और जेड 0 समथिंग, यानी वैल्यू चेंज हो गई है, जो निगेटिव है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो गई है, और ये जो हो रहा है वो जो पोजिशन है वो पोजिशन डिस्प्ले हो रही है हमारे सेंसर के थ्रू। यानी यहाँ पे जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होते जाएंगे यहाँ पर। अभी वाई की वैल्यू अगेन निगेटिव, जेड की वैल्यू निगेटिव हो गई। सो इस तरीके से हम हमारे फ़ोन का जो सेंसर है उसके थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके की पोजीशन वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो इस तरीके से हम एंड्रॉयड के अंदर एक सेंसर का एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे वाईफाई इन एंड्रॉयड।